ഓരിയന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആര്യാണം നമോ ഉപാധ്യായാണം നമോ ലോയേ സർവസാഹുണം ഏസു പഞ്ച നമുക്കാരോ സർവപാപപ്രണാശനം മംഗളാണം ച സർവേസിം പരമം ഹവൈ മംഗളം മംഗളം ഭഗവാന് വീരോ മംഗളം ഗൗതമ പ്രഭു മംഗളം സൂലിഭദ്രാദ്യ ജൈനധർമ്മോ ശ്രീമംഗളം चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो ब्रह्मो मंगलम जय जगजीव जोड़ी वियानो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जग पिया महो जय सुयान प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरु लोगाणं जय महपा महावीर कल्याण पाद पारामृत गंगा हिमाचल विश्वांभोज रवीं देवं वंदेहं ज्ञातनंदन सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नम श्री सुधर्म स्वामिने नम अज्ञान देवीरांधानां ज्ञानांजनशलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नम। चलिए, हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है पंच महाभूत के बारे में, और सामने ब्राह्मण विद्वान पंडित जो है व्यक्त स्वामी है, उनका पक्ष है कि पंच महाभूत नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। अब पंच महाभूत ही नहीं है, पृथ्वी पानी अग्नि आकाश आदि, तो फिर क्यों नहीं है इनके लिए? ये व्यक्त स्वामी है, वैदिक ब्राह्मण पंडित है, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पर बौद्ध मत को लेकर के ये चल रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक दो और तीन ये बौद्ध मत के मुख्य बेसिक पिलर्स, देर आर द थ्री पिलर्स जो उनके बौद्ध मत के मुख्य गिने जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेहता जी, आप इन तीनों के बारे में सोचेंगे तो लगेगा ये एक दूसरे के अपोजिट, या तो अनित्यवाद बता रहे हो तो वस्तु है तो अनित्य है कि नित्य है ये बैठेगी बात। लेकिन इधर पहले आप शून्यवाद कहने से मतलब क्या है? अस्तित्व का अभाव, सर्वथा शून्य, इनको कहने का आप शून्यवाद कहिए या अस्तित्व का अभाव कहिए, साथ दोनों बात एक ही है। फिर एक तरफ से कहते हो क्षणिक है, अब मुझे बताइए क्षणिक में और अनित्य में फर्क है क्या? क्षणिक में और अनित्य में क्या फर्क है? अब जो क्षणिक है वो अनित्य है कि अनित्य है वो क्षणिक है? मेहता जी बोलिए। नहीं, क्षणिकवाद में ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर इंपॉर्टेंस है, अनित्यवाद में ड्यूरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि अनित्य यानी वो नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, ऐसा उसका मतलब शाब्दिक अर्थ मैंने ऐसा नहीं कहा। अनित्य का मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसका हुआ? शून्यवाद का हुआ था। अनित्य में तो क्या होगा, वस्तु है, नित्य नहीं है, अनित्य। सही बात। और क्षणिकवाद के अंदर ये कहेंगे भाई अनित्य होते हुए भी क्षणिक है, वो क्षण जीवी है। When the water is flowing in the river, you can't put your finger in the same water two time or three time any time. Because that water flows away. इनका ये कहना है, तो ये कहना है ठीक है वस्तु अनित्य है। महावीर क्या कह रहे हैं इसके अंदर फर्क समझिए। महावीर कह रहे हैं कि द्रव्य स्वरूप से वस्तु नित्य है, पर्याय स्वरूप से अनित्य है, क्योंकि पर्याय परिवर्तनशील है, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय बदलती रहेगी। ख्याल आया आपको? जब पर्याय चेंजिंग फॉर्म है तो उत्पन्न हुई और नष्ट हुई, उत्पन्न और नष्ट हुई,
लेकिन उत्पन्न होते और नष्ट होने के कारण प्रत्येक वस्तु क्षणिक ही होती है ऐसा नहीं। दीर्घकालिक होने पर भी अनित्य है, लेकिन सभी क्षणिक और अनित्य में फर्क क्या है? अनित्य इन द सेंस विच इज द पेरिशेबल थिंग, विनाशी है, नाशवंत है, लेकिन क्षणिक का मतलब एक क्षण जीवी, जैसे ही क्षण बदल गया, अब आप क्षण को समय के साथ जोड़ दो, 9:01 पर 1 सेकेंड, अब 9:01 पर दूसरी सेकेंड हो गई तो वो क्षण में हो गई नष्ट। तो एक वस्तु मात्र क्षण जीवी ही रहे, अगर क्षणिक है, अगर क्षण जीवी भी रहती है तो जो शून्य है वो कैसे क्षणिक बनेगी? इधर वस्तु का अस्तित्व का अभाव सिद्ध कर रहे हो तो वो वस्तु क्षणिक कैसे हो सकती है? जिस वस्तु का सर्वथा शून्यवाद में अभाव सिद्ध कर रहे हो वो अनित्य कैसे हो रही है? थोड़ा ध्यान से समझना भाई साहब। चलो अब इनको पूछा जा रहा है व्यक्त स्वामी को, आपका कहना क्या है? क्या पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश है ही नहीं? क्या पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश क्षणिक है? क्या पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश अनित्य है? क्या पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश स्वप्न तुल्य है? क्या पृथ्वी पानी वायु आकाश ब्रह्म स्वरूप है? ब्रह्म मतलब क्या हुआ? भ्रांति जिसको कहते हैं, द डाउट जिसको हम कहते हैं, अरे है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। वैसे ये 5 कारणवादों के अंदर जो है ये पंच महाभूत का विषय इसके अंदर सेट हो रहा है। इन्होंने व्यक्त स्वामी ने अपनी तरफ से जो किया है, तो ये जो पंच महाभूत इसका जो विषय है, अब वो किससे को सिद्ध करना है? ये नहीं है इनका पक्ष, क्या ये शून्यवाद से कह रहे हैं कि नहीं है? क्या आप अनित्यवाद से कह रहे हो कि नहीं है? क्या आप क्षणिकवाद से कह रहे हो कि नहीं है? क्या आप स्वप्नवाद से कह रहे हो कि नहीं है? क्या ब्रह्मवाद से कह रहे हो कि है कि नहीं है? ध्यान दीजिए थोड़ा मेरी बात पर, थोड़ा समझ में आना चाहिए। नीति बहन जी बोलिए, क्या पूछा है, क्या बताया? आपने बताया कि जो पंच महाभूत का सब्जेक्ट है, क्या वो अनित्यवाद की थ्योरी से नहीं है, या शून्यवाद से नहीं है, या क्षणिकवाद से नहीं है, या स्वप्नवाद से, या ब्रह्मवाद से है या नहीं है? अब आपको देखो ये समझना है, इन्होंने क्या पकड़ा है, पहले इनको ही समझाया जा रहा है व्यक्त स्वामी को कि आपकी गलती कहाँ क्या हो रही है। अगर पहले ही आप शून्यवाद कहते हो तो फिर जो है किसी की बात बैठेगी नहीं। मैंने लास्ट टाइम क्या कहा था राहुल जी, जो चीज जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसका अभाव है, उसका स्वप्न भी कभी नहीं आता है। दुनिया के अंदर जिस वस्तु का एग्जिस्टेंस अस्तित्व होता है उसी का स्वप्न आता है, नहीं तो नहीं आता है। अब मेरे को स्वप्न आया कि 1,00,000 सोना मुझे मिल गया, अब दुनिया में सोना है कि नहीं है? अब दुनिया में सोना ही नहीं है और मेरे को 1,00,000 सोना मिल गया, बात दोनों पर आधार देखिए। मेरे को कोहिनूर रत्न मिल गया, सब कितना बड़ा मिल गया, 1 किलो का मिल गया। अब मैंने ये शब्द प्रयोग किया, मुझे 1 किलो वजन वाला कोहिनूर रत्न मिल गया, हीरा। अब बताइए क्या गलती है? मुझे तो स्वप्न आया है, मुझे स्वप्न में मिला है, तो क्या ये सही है कि सर्वथा गलत है? या शून्यवाद के नियम से आप बात बैठा रहे हो कि उसका अस्तित्व ही नहीं होता है, ऐसा है क्या? अगर शून्यवाद के अंदर अस्तित्व का अभाव हो, हीरा रत्न है ही नहीं, 1 किलो का सवाल तो वजन के बाद में आएगा, कोहिनूर नाम आया ही कहां से? जब हीरा ही नहीं है तो कोहिनूर नाम आएगा कहां से?
अभाव है, वस्तु का ही अभाव सिद्ध कर रहे हो। तो मेरे को स्वप्न आया कि इससे फिर 1 किलो का कोई तो रत्न मुझे मिल गया। सोने का सर्वथा अभाव हो तो मेरे को 1 लाख की तोला सोना मिला कहां से? महावीर ये कह रहे हैं कि आपको स्वप्न में, क्या स्वप्न के कारण आप पांचों पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश का निषेध कर रहे हो? तो जिसका निषेध करते उसका स्वप्न आता है क्या? जिसका अस्तित्व कभी होता ही नहीं उसका स्वप्न आता है क्या? बोलिए, पूरी जिंदगी में आज दिन तक के आपके जितने स्वप्न आए हो उसका हिसाब लगाकर बता दो। ये पूछो मेहता जी को कितने हो गए। मेहता जी 70 ऊपर हो गए आपको। अब 70 साल के 360 के हिसाब से गुणाकार करके दिन बता दो आप। अब इतने दिनों में कौन सा दिन, किस दिन आपको स्वप्न नहीं आया? ऐसा कोई दिन खाली गया है क्या? पॉसिबल नहीं है सर। अब 70 बरस के 360 के हिसाब से दिन निकालिए और इतने वर्षों के स्वप्न जो जितने आए जैसे आए, कौन सा स्वप्न ऐसा बताया कि सर्वथा वस्तु का अभाव होते हुए भी आपको स्वप्न में दिखाई दे? संभव ही नहीं है। आज मुझे राहुल जी ने पूछा कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है साहब, मेरे को मेरे बेटे का ऐसा स्वप्न आया। अरे भाई साहब ठीक है, तो स्वप्न में आया तो अभाव कहाँ हुआ? बेटा था तो स्वप्न आया, बेटे ने किसी से अफेयर किया और उसका स्वप्न आया, तो वो भी दुनिया में है तब तो स्वप्न आया, नहीं तो कहाँ से आता? नियम ये है कि वस्तु का सर्वथा अस्तित्व का अभाव हो न तो उसका स्वप्न आता है न उसका भ्रम होता है। आगे बात समझ में? ये दो नियम पक्के करके आप बोल दीजिए, आपको ख्याल आ जाएगा। बोलिए विभावेन जी। हाँ, वस्तु का सर्वत्र सर्वथा अभाव हो तो उसका स्वप्न भी नहीं आता है और भ्रम भी नहीं होता है। बराबर है। तो आप पंच महाभूत शब्द लाए कहां से? पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश शब्द आए कहां से? जब शून्यवाद के अंदर वस्तु का अभाव सिद्ध होता है तो ये नामादि संज्ञाएं कहां से? शून्यवाद और स्वप्नवाद सर्वथा परस्पर विरुद्ध बात है। शून्यवाद और ब्रह्मवाद ये सर्वथा परस्पर विरुद्ध बात है। शून्यवाद और क्षणिकवाद ये परस्पर सर्वथा विरुद्ध है। शून्यवाद और अनित्यवाद ये सर्वथा परस्पर विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? थोड़ा लॉजिकली भी समझने की कोशिश करिए। जब शून्यवाद के अंदर आप तो कह रहे हो अस्तित्व ही नहीं है, वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए शुद्ध कह शून्य कहते हो, तो फिर ये तो वस्तु की क्वालिटी बता रहे। क्षणिकवाद के अंदर क्वालिटी बनाई, अनित्यवाद के अंदर क्वालिटी, बस ठीक है वो अल्पकालिक है, क्या क्षण जीवी है, थोड़े क्षण तक ही चला है, इसलिए आपने क्षणिकवाद का ठीक है चलो मान लिया। फिर पहले आप गलती क्यों करते हो? पहले शून्य कह करके बाद में क्षणिक कहते हो, तो ये बात तो परस्पर वदतो व्याघात कहते हैं इसको, ये आपका गलत हो रहा है। आप ऐसी गलत प्रवृत्ति बात ना करते हो, फिर बात खुद ही चक्कर में फंस रहे हो। पहले शून्य बात करके फिर स्वप्न बात कह रहे हो और फिर 5 संख्या बोल रहे हो, महाविशेषण जोड़ रहे हो, भूत शब्द की संज्ञा बना रहे हो और फिर अस्तित्व का अभाव करते हो, ये कैसे बैठ सकता है? जब अस्तित्व का अभाव था तो 5 और महा और भूत और ये शब्द कैसे आए? कैसे दुनिया में एक तो बताओ कि सर्वथा वस्तु का अभाव हो उसका कोई नाम संज्ञा होती हो, एक तो बताओ कहाँ है? एक भी संज्ञा नहीं बता सकते आप। आपकी गलती कहाँ हो रही है? आप कहाँ चक्कर खा रहे हो? अब स्वप्न में जितनी 5 महाभूत का आपको स्वप्न आया तो दूसरे भी तो है, 5 की संख्या क्यों दी आपने? 5 की संख्या क्यों दी? संख्यावाची शब्द 5 क्यों जोड़ा? इसका मतलब 5 के सिवाय की संख्या का अस्तित्व है? 5 से ज्यादा वाली 6ठे 7वें 8वें 9वें वाले की अस्तित्व है?
अब एक का अस्तित्व और एक का न हो ऐसे कैसे हो सकता है? एक का अस्तित्व स्वप्न में हो और दूसरे का अस्तित्व न हो ऐसा कैसे हो सकता है? ये इसीलिए ये आपका भ्रम भी सही नहीं बैठ रहा है। और भ्रम भी किस में होगा? डाउट जिसको हम बोलते हैं, संदेह शब्द बोलते हैं, संदिग्ध शब्द बोलते हैं। देर आर सो मेनी अदर वर्ड्स एंड ऑल आर द सिमिलर वर्ड्स। आप कैसे निषेध करते हो? तो आपने निषेध क्यों किया है? सर्वथा अस्तित्व का अभाव हो तो किसी भी वस्तु का न तो स्वप्न आएगा, न भ्रम होगा, न वो वस्तु क्षणिक हो सकती है, न वो वस्तु अनित्य हो सकती है। सर, अब यहां पर आपने पंच शब्द जोड़ा है और इधर महाशब्द जोड़ा है, तो पंच की संख्या का विपरीत दूसरी संख्या लो। 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो। जब दूसरी संख्या का अस्तित्व बन सकता है तो इन 5ों की संख्या का अस्तित्व क्यों नहीं बन सकता है? दूसरी बात, आपने महाविशेषण क्यों जोड़ा है? एक को अगर किसी को महा कहते हो तो दूसरे को महा नहीं है, वो सामान्य है, छोटे हैं, अल्प है, व्यापक नहीं है या लिमिटेड है, वो भी तो अर्थ बैठता है कि नहीं बैठता है? तो आपने महा क्यों जोड़ा है, महा क्यों कहा है? जब आपने महा कहा, इसका मतलब ये हो गया कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ है तो सही। आप जोड़ते हो तो कहीं गलत तो आ रहा है। ये हमें पहले समझना होगा ना, आप कैसे उल्टा कर सकते हो? तो ये हेतु पहले आपको समझना चाहिए साहब। अरे ये बात समझ में, पहले आपको पहले ये समझना है ये क्या कहना चाह रहे, क्यों ऐसा कह रहे, आप कहाँ गलती कर रहे हो? ऐसे सिद्ध नहीं होते हैं शब्द। आपने पंच शब्द जोड़ा, महाशब्द जोड़ा है और वस्तु की संज्ञा दे करके उनको भूत कहा है, ये पहले नक्की करो। अब या तो ये बोलिए कि पंच जो है वो भूत नहीं है, या पंच जो है वो महा नहीं है, या वो पंच 5 नहीं है और कम ज्यादा है। 3 बात बरोबर ध्यान में आ रही है आपको? अभी मैंने पहले इनकी बात की थी, अब मैं अलग अलग कह रहा हूं। ये जो है, या तो आप संख्यावाची शब्द का विचार करिए, या महाविशेषण जो जोड़ा है उसका विचार करिए, और तीसरे के अंदर आपने जो है भूत शब्द जोड़ा है। तो यह क्वेश्चन मार्क है यहाँ सबके सामने लगा दो साहब। अब ये प्रश्न बैठेगा, लेकिन ये वाद नहीं बैठेंगे। Here already I have used the word वाद, वाद for the philosophy, you see, where you can discuss on that. Where your discussion is on that, that is called the वाद। प्राचीन काल से परंपरा ये चली आ रही है कि वाद का मतलब लॉजिकल अप्रोच, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और वो जिसके सब्जेक्ट में आप डिस्कशन करते हो वो वहां पर वाद है, दैट इज फिलोसॉफी। और उस फिलोसॉफी के ऊपर आप लॉजिकल अप्रोच से डिस्कशन करते हुए हाउ टू प्रूव दैट आइदर और आइदर इज इट एग्जिस्टिंग और नॉट एग्जिस्टिंग, ये आपको बरोबर बोलना पड़ेगा, ये बरोबर कहना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता है ना। अब महाशब्द क्या कहना कि नहीं कहना? चलिए इधर मेहता जी, आप पहले इन 3 के अपोजिट वर्ड क्या लिखना है बोलिए। 5 का अपोजिट वर्ड होगा जो 5 नहीं है, कम है या ज्यादा है। हाँ, महा का अपोजिट होगा जो महान यानी सबसे महान नहीं, उससे छोटा है। हाँ, महा तो एकदम एक्सट्रीम में होता है, उससे छोटा है। और भूत का अपोजिट होगा जड़ होगा, क्योंकि भूत जीव के लिए यूज किया हुआ है। हाँ, यहां पर देखिए, ये अगर महा, महा कब होता है? जब कोई वस्तु व्यापक स्वरूप में, विस्तार से विशाल स्वरूप में या विराट स्वरूप में हो तब उसको महा कहते हैं। अरे बात मतलब बोलिए राहुल जी। जब कोई वस्तु व्यापक विशाल
स्वरूप में हो तो महान शब्द का प्रयोग होता है। अब ये महा है या नहीं है तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर वो व्यापक नहीं है, वो अल्प प्रमाण में है, छोटे प्रमाण में है, अब आप जिस तरह से समझो वो है तो फिर ठीक है, उसका बताइए आप। अगर छोटे वाले का अस्तित्व हो तो बड़े का भी हो सकता है, बड़े का अस्तित्व हो तो छोटे का भी अस्तित्व हो सकता है, ऐसा एक दूसरे के पूरक है, निमित्त है। अब तीसरा है भूत है या नहीं है, तो वो अभूत आपको कहना पड़ेगा, अभूत जो भी हो उसका नाम लीजिए। तो भूत का मतलब क्या हुआ, अब इन तीनों बातों से मतलब, क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव है ऐसा, अगर ये तीनों का अर्थ बैठाओगे तो बेली बात है कि शून्यवाद आपका गलत हो जाएगा, शून्यवाद तो बैठेगा ही नहीं, फिर क्षणिकवाद भी नहीं बैठेगा, और फिर अनित्यवाद भी नहीं बैठेगा, और ब्रह्मवाद भी नहीं बैठेगा, और स्वप्नवाद भी नहीं बैठेगा। जब इन पांच को बरोबर शब्द यूज कर रहे हो तो शब्दों के सामने क्वेश्चन मार्क लगा करके अब स्पष्ट करो आप से। तो ये पांचों बात नहीं बैठे, ध्यान रखिए, ये मैंने आपको बताया बुद्धिज्म की फिलोसॉफी विच इज ऑलरेडी बेस्ड ऑन दिस थ्री बिग पिलर्स। बोले नीति बहन जी। जी मेरे साहब, बुद्धिज्म फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द पिलर्स, दीज थ्री पिलर्स ऑफ अनित्यवाद, शून्यवाद एंड क्षणिकवाद। हाँ जी, ये उनके वहां पर उनका लिखा हुआ है, उनके हमारे यहाँ पर जैनिज्म के कैसे आगम शास्त्र है, हम आगम शास्त्र कहते हैं, उस जगह पर उनके हॉली स्क्रिप्चर को नाम दिया गया त्रिपिटक, वो त्रिपिटक बोलते हैं सर। अब बुद्धिज्म के अंदर, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के उसके अंदर ये तीन मेन पिलर आते हैं सर। अब तीन मेन पिलर के अंदर जो है, जो जो अनित्य है, क्षणिक है और नाशवंत है। अब आपको थोड़ा और ज्यादा समझने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये इसके आगे भी सर्वम शब्द लगाया है, सर्वम अनित्यम, तब इनका भेद हो गया। अब इन्होंने वाद शब्द हटा लिया सब, इसके आगे सर्वम अनित्यम, ये उनका सिद्धांत हो गया। वो ये कह रहे हैं बुद्ध ने खाली तीन शब्द ही बोले हैं, ये बात है। इधर आप इनके शब्द से ये वाद शब्द हटा दीजिए और फिर ये भी क्या कहते हैं, सर्वम शून्यम, इन्होंने भी इस तरह से जो है इसको भी इस अर्थ में ले लिया। तो एक सिद्धांत तो इनका ये बन गया है, दूसरा सिद्धांत तो इनका ये बन गया है, और इसके आगे भी इन्होंने सर्वम शब्द जोड़ दिया है, और सर्वम शब्द जोड़ करके ये क्षणिकम लगा करके तीन नंबर इसको दे दिया। अब मेहता जी जरा आगे शब्द मैंने लगाया, एडजेक्टिव मेरा नहीं है, बुद्धिज्म का है। अब ये लगाने से क्या सिद्ध होता है, जरा बुद्धि चलाइए। सर्वम अनित्यम का कहने से, सर्व शब्द आगे लगाने से उसके अलावा और कोई अनित्य नित्य है ही नहीं, वो सर्वम शब्द यानी और कोई एक्सक्लूजन में आ गया, पूरा 100% आ गया था। अभी उधर मत जाइए, पहली बात तो जब आपने अनित्य कहना है आपको तो सर्वम का मतलब क्या हुआ, जब सर्व का मतलब कुछ है। हाँ, सब तो कुछ है, तो भी अनित्य कैसे है, कुछ नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ, जब सब कुछ है उसको अनित्य करे तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो अच्छी बात है, मतलब विद्यमान का एग्जिस्टेंस तो स्वीकारा, एग्जिस्टेंस को स्वीकार करके उसकी क्वालिटी बना रहे, बता रहे हो कि भाई जो कुछ सब कुछ है वो सब कुछ अनित्य है। अब इधर भी आपने सर्वम शून्यम, अब सर्वम शब्द तो लगाया तो सर्वम किसके लिए आया, आइदर इट फॉर ऑब्जेक्ट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट जो है उनके लिए अगर आपने शून्य शब्द लगाया है तो सब कुछ शून्य है, सबका अभाव, तो सब पहले शब्द का, सबकी डेफिनेशन बैठा हुआ पहले,
सब सर्वशून्यम, सर्वशून्यम में वद तो व्यागत तो सीधा ही आ जाता है। हाँ यही तो विशेषता है। फिर सर्वम क्षणिकम कर दिया, तो आपने सर्वम से पहले सब पदार्थ सबका अस्तित्व स्वीकारा। महावीर क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, महावीर भी कह रहे हैं सर्वम पौद्गलिकम अनित्यम, सर्वम पौद्गलिकम क्षणिकम, कोई ना नहीं है भाई साहब इसमें, क्योंकि पर्यायों का परिवर्तन होता रहेगा तो पुद्गल पदार्थ अनित्य ही कहलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर्वम शून्यम नहीं कहलाएगा, अनित्य होते हुए वस्तु का अस्तित्व है, क्षणिक होते हुए वस्तु का अस्तित्व है। क्यों है कि वस्तु अपने आप में है अस्तित्व में, ये क्वालिटी उसकी ऐसी है कि वो क्षणिक है या अनित्य है, बस बात इतनी सी। ये क्वालिटी आपने बताई भाई। भरत महाराजा मेडिटेशन में उतर गए आरिसा भुवन में, जब वो शीश महल में थे तब उनके हाथ से अंगूठी गिर गई, देन ही वो जस्ट थिंकिंग चला है, उनकी थिंकिंग इस प्रकार की चली कि क्या है, तो भाई ये अनित्य है कि ये अनित्य है, ये अनित्य है कि ये अनित्य है, ये उनके लिए जो है उनकी चली समझे कि नहीं। तो आप पहले उसी को समझ लीजिए, तो आपने सर्वम शब्द क्यों लगाया फिर, ये आपको समझना पड़ेगा। सर्वम शब्द लग रहा है तो बात आपको बैठनी चाहिए समझे कि नहीं। अब ये हेतु आपने समझा कि नहीं समझा, आ रहा है ख्याल में? अब यहाँ पर सर्वम जो है, क्योंकि सर्व शब्द बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है और कुछ नहीं, अपोजिट जा रहा है। तो जब आपने सर्वम शब्द लगाया तो किसी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि सर्वम तो खाली संख्यावाची शब्द है, ये तो सिर्फ संख्या ही बता रहा है, तो किसकी संख्या बता रहा है? अनित्य हो उसकी संख्या, शून्य हो तो संख्या कहां से आएगी? ये भाई साहब अपनी तरह से पंच की संख्या दे रहे, तो आपने सर्व की संख्या कहां से दी फिर? क्यों दी आपने सर्व की संख्या? मतलब वस्तु का अस्तित्व है उनके लिए सर्व शब्द यूज हो रहा है, और उसके बाद में आप शून्यम कह करके वस्तु का अभाव बताने की कोशिश कर रहे हो, ये गलती हो रही है कि नहीं हो रही है? बात ये है समझने की। अब महावीर क्यों नहीं सर्व शब्द लगा रहे हैं? चलिए बोलिए राहुल जी। हाँ ठीक है साहब जी, क्योंकि आत्मा नित्य है, धर्मात्मा नित्य है, आकाशास्ति का नित्य है, इसलिए सर्वम नहीं लगा रहे हैं। बहुत अच्छा, आपको बहुत धन्यवाद। देखिए ये है सही उत्तर भाई, अनित्य पदार्थ सिर्फ एक ही है, नित्य पदार्थ और मेजोरिटी में चार अलग से है, आत्मा भी है, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, आकाशास्तिकाय भी है, ये चारों चार पदार्थ जो है त्रिकाल नित्य शाश्वत है, अस्तित्व सदा काल बना रहता है, वही त्रिकाल नित्य रहती है। जिस वस्तु का अस्तित्व सदा काल नहीं रहता है वो वस्तु कभी रहती नहीं है। अब आत्मा को भी अनित्य कहना कि नहीं कहना, चलो ये बताइए मेहता जी, पुद्गल को क्यों अनित्य कहा? क्या पुद्गल नित्य है ही नहीं ना? पुद्गल में पर्याय से वो हमेशा उसके क्षण क्षण बदली होते ही रहते हैं, इसके लिए उसको अनित्य कहा? देखिए पुद्गल भी परमाणु स्वरूप में त्रिकाल नित्य अस्तित्व रखता है जी, जी। मात्र पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय बन गई, परमाणु इकट्ठे होकर स्कंद बन गया, अब अनित्यता आएगी। वो स्कंद जो बना है उसके परमाणु बिखरेंगे, उसको कहते हैं अनित्य, लेकिन शून्यवाद तो नहीं बैठेगा, क्योंकि परमाणु का अस्तित्व तो बना रहता है, परमाणु का अस्तित्व परमानेंट है, सदाकाल रहता है, कोई निषेध नहीं है। आ रही है ख्याल में बात आपको?
ये मुख्यतः समझनी जरूरी है। हम इसको ऐसा ना समझ ले कि सर्वम शून्यम, तो ये पहली बात की एक तो परस्पर बद्धतो व्याघात, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहते हैं, पहले ये आपको क्लियर करना है। जो जो अनित्य होता है वो शून्य हो ही नहीं सकता है, जो जो शून्य होता है वो अनित्य हो ही नहीं सकता है, जो जो शून्य होता है वो क्षणिक हो ही नहीं सकता है, जो जो क्षणिक होता है वो शून्य हो ही नहीं सकता है, जो जो अनित्य होता है या अरे ये शून्य होता है उसका स्वप्न कभी हो ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है, और जिसका स्वप्न आता है उसका अस्तित्व का अभाव शून्य रूप में कभी हो ही नहीं सकता है, जो सर्वथा शून्य स्वरूप है उसका कभी भ्रम डाउट भी हो ही नहीं सकता है, और अगर किसी का भ्रम या डाउट खड़ा होता भी है तो वो सर्वथा शून्य हो ही नहीं सकता है। अरे आपको अब ये 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव 10 सेंटेंस बना करके लिखना है आपको। अभी मैं बोलने जाऊं पूछने जाऊं तो बोलेंगे नहीं और टाइम चला जाएगा, इस बात ये आप लोग लिख लेना सभी। ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन है इसलिए आपको ये समझना अनिवार्य है साहब, ये कैसे आप पंच महाभूत का निषेध करते हो। अब पहले तो हमने ये बात की डिफरेंट फिलोसॉफी और डिफरेंट लॉजिक बैठा दी, अब सीधा इन 3 शब्दों आपने मतलब व्यक्त स्वामी ने जो ये 3 शब्दों का प्रोनाउंसिएशन किया है अब उसी की बात बैठा रहे हैं सर, क्योंकि आपने इन शब्दों का उपयोग आपको क्या बताना है। अब वो पकड़ के बैठे हैं शून्यवाद अनित्यवाद क्षणिकवाद स्वप्नवाद पकड़ के बैठे, और इधर पंच महाभूत शब्द का उपयोग करके बात कर रहे, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है ना ये बात बैठ ही नहीं रही है, बात ही नहीं बन रही है। आपने कैसे कर दिया, आपको अगर 5 कहते हो तो 5 के सिवाय का अस्तित्व आप स्वीकार करें, 5 से कम ज्यादा जो भी है वो आप स्वीकार रहे, उसका मतलब ये हुआ। स्वप्न में भी आप चलोगे तो 5 स्वप्न में 5 का स्वप्न आएगा तब तक तो आप ना नहीं बोलोगे, या उसका ना करोगे तो दूसरे का ना नहीं बोलोगे। बोलिए ऐसे कैसे हो सकता है, ये गलत बात है। ख्याल है जब शून्यम सर्वम शून्यम लगाया है, सर्वथा सर्व पदार्थों के अस्तित्व का अभाव आपने किया है, तो फिर यहां पर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ये नहीं जम रहा है, ये बात ही नहीं बैठ रही, दोनों बात पर चलिए समझे कि नहीं। इधर आपको क्या करना है महाशब्द का, क्योंकि देखिए ईच एंड एवरी वर्ड्स आर ऑलवेज इन द रिलेटिव फॉर्म, शब्द तो हमेशा अपनी तरह से किसी न किसी संदर्भ में ही रहता है। इन रिलेटिव फॉर्म इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द रिलेटिविटी। अब वो रिलेटिव फॉर्म में है तो उसका आप संदर्भ अर्थ निकालिए। चलो आपकी बात हम बात विचार कर रहे हैं कि महा नहीं है, महा मतलब कि इसका जो व्यापक हो विशाल हो विराट स्वरूप में हो, अगर वो नहीं है तो आप छोटे फॉर्म में स्वीकारो ना, थोड़ी आप अस्तित्व का अभाव करके नहीं चल सकते हो, ये बात निश्चित है। चलो अब भूत नहीं कहेंगे तो अभूत किसको कहेंगे, क्या आपके कहने का मतलब जगत के अंदर भूत का अस्तित्व नहीं है, अभूत का तो अस्तित्व है। अभूत शब्द का अर्थ बैठा दो, भूत शब्द का अर्थ है जीव, तो आपको पंच महाभूत इनको जीव है ऐसा नहीं कहना है, तो इसमें भी अस्तित्व का अभाव सिद्ध नहीं हो रहा है। आपको जो निषेध करना है वो भूत का निषेध करना है, तो अभूत सिद्ध करो, अभूतपना सिद्ध करो, आप ना खाएं। लेकिन फिर वो बात को ले जाते हैं शून्यवाद में, फिर वो कहते हैं 5 का भी अस्तित्व नहीं है, भूत का भी अस्तित्व नहीं है, महा का भी अस्तित्व नहीं है। अरे तो फिर क्या, कहां से किसका अब बैठाएंगे कैसे, फिर ये शब्द क्यों लाया आपने, क्योंकि वस्तु का सर्वथा त्रैकालिक अभाव हो तो उसकी नाम संज्ञा विशेषण कुछ भी बनता ही नहीं है, संभव ही नहीं। अब कैसे बैठानी बात, भूत नहीं है तो अभूत है,
या भूत भी है और अभूत भी है, या भूत भी नहीं है और अभूत भी नहीं है। बोलिए चार बातें कौन सी बैठेगी? चोरडिया जी कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान देना। हाँ आज एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। बोलिए ना फिर। भी भूत नहीं है तो कोई अभूत है, और भूत नहीं है तो उसको और क्या बोलेंगे, यही तो बातें हैं। तो आपने ध्यान नहीं दिया ना, इसका मतलब यही हुआ ना। बोलो आंसर में। अगर भूत नहीं है तो क्या भूत है, पंच नहीं है तो क्या ज्यादा और या कम है? खाली भूत नहीं, भूत में ही बैठना है और किसी में नहीं। हाँ जी बोलिए मेहता जी, क्या ख्याल आ रहा है? आपने सर जी बताया फरमाया कि क्या भूत है तो क्या अभूत नहीं है, कि भूत अभूत भी है और अभूत भी है, या भूत नहीं है और खाली अभूत है, या भूत और अभूत दोनों है, दोनों नहीं है। चलिए लिखिए आप, देखिए। चलिए साहब देखिए किसको समझ में आ रहा है चारों बातें, पढ़िए करो इला में जो कोशिश करिए, देखिए थोड़ी नहीं ना बोल दो आप तो बहुत जल्दी छूट जाते। चलो जैन साहब देखो करिए कोशिश। महाराज साहब आपने कहा जो भूत है परंतु अभूत नहीं है। हाँ भूत है परंतु अभूत नहीं है, भूत भी है और अभूत भी है, दोनों है। एक तो दूसरा तो है भूत भी है और अभूत भी है। पहला भूत है परंतु अभूत नहीं है, तीसरा है भूत ही नहीं है तो क्या सिर्फ अभूत है, और चौथा है भूत भी नहीं है और अभूत भी नहीं है। तो पहले वाला तो दूसरे वाला तो मतलब ये लिखा है ड्यूअल नेचर हो गया कि भूत भी है और अभूत भी है, ये गलत है। बस बस करिए आप रिपीट करेंगे। अब बताइए व्यक्त स्वामी इस चार में से किस मत वाले हैं? बोलिए नीति बहन जी बोलिए। नहीं आप उन करके मत बोलिए, मतलब व्यक्त स्वामी पंच चार में से किस पक्ष वाले हैं, कोई एक पक्ष बोलना है, आप ऐसे अंधाधुंध नहीं बोलेंगे। फोर्थ में। चलो किसने किसने सोच लिया है, इनका पक्ष आया फोर्थ का। हाँ सोडिया जी सही बोलेंगे कि गलत बोलेंगे ध्यान रखना। बार साहब वो तो क्या है कि भूत मान ही नहीं रहे हैं ना, वो तो बोलते हैं भूत नहीं। अभी दूसरी बात मत करिए, मैंने पूछा क्या है चार में से किस पक्ष को मान रहे हैं? वो तीन नंबर को मान रहे हैं, भूत ही नहीं है, अभूत मान रहे हैं सबको। सबको अभूत मान रहे हैं? क्या हाँ हाँ कर रहे हैं जी महाराज? अरे कैसे हाँ हाँ कर रहे हैं आप? वो भूत का निषेध कर रहे हैं कि अभूत का निषेध कर रहे हैं? भूत मान के अभूत का मान रहे हैं, तो फिर कौन सा पक्ष हुआ? पहला साहब जी। चलो ये पहले पर आ गए, देखो जैन साहब बोलिए। मेहता जी अब करो खुलासा करो। चलो जी पहला पक्ष ही है पंच रक्त स्वामी भूत है वो मानते हैं, पंचमा भूत है तो भूत मानते हैं, अभूत नहीं मान रहे हैं। मान कहाँ रहे हैं वो? आप भी क्या कह रहे हैं, आप नींद में हो कि जग रहे हो? पंच महाभूत का निषेध कर रहे हैं तो फिर क्यों ऐसा बोल रहे हो? अब बोलिए आशा बहन जी क्या बोलेंगे, सोच के बोलना। वो मेरी दृष्टि है तो वो किसी सभी का नहीं सकते, इसलिए वो चौथा वाला जो भूत भी नहीं है अभूत भी नहीं है, चौथा है महाराज साहब। हाँ अब आई बात ठिकाने पर, चौथा है महाराज साहब। ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो भूत तो कह ही नहीं रहे, भूत का तो निषेध कर ही रहे और अभूत कह नहीं रहे। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव पहले बैठाइए ना,
ये तो नहीं कह रहे, पहला तो कह ही नहीं रहे कि भूत है, वो तो कह ही नहीं रहे, उनका तो प्रश्न ही तो वहां खड़ा है कि भाई पंच महाभूत है ही नहीं, दूसरे में भी वो नहीं आ रहे। अगर वो भूत ही भूत भी है और ऐसा मान ले अभूत भी है तो कैसे चलेगा साहब, वो तो ना ही कह रहे। चौथे के अंदर उन्होंने क्या किया है, भूत का तो निषेध कर ही दिया और अभूत का हाथ तो भर ही नहीं है, तो निषेध ही समझ लीजिए। अब मैं क्या करूं बताइए मेहता जी, ये विषय ही कठिन है, कठिन नहीं है, थोड़ा लॉजिक्स के कारण थोड़ा सा आपको जो है। अब क्या हुआ नीति बहन जी, वापिस चाय वाय तो चालू नहीं किया ना? हाँ तो फिर जरा ध्यान रखना। हाँ बरोबर, हाँ बरोबर फोर्थ बोला, लेकिन आपने क्लियर तो नहीं किया था। अब ये आपको समझना तो पड़ेगा। अब मैं भी क्या करूं भाई साहब, अब ये है ही विषय ऐसा है, अब इनको समझना पड़ेगा ना। देखिए हम तो इनसे व्यक्त स्वामी को हमने तो देखा नहीं, 2500 साल पहले की बात है। अब इनके उस समय वो काल ही ऐसा था, उस समय जो है जिन जिन फिलोसॉफियों का अपना जो है ओवर जोर चलता था बहुत ज्यादा मत करके, तो ये उस दिशा में घुस गए और फिर उन्होंने अपनी अपनी बातें पकड़ करके रख ली सर। ये हो गया ना, अपनी बातों को जिस तरह से ये पकड़ के बैठ गए और उस शंका को अपना सिद्धांत बना लिया। तकलीफ ये कर दी इन्होंने, शंका तो आई लेकिन शंका को क्लैरिफाई नहीं किया, समझे नहीं, एक दूसरों ने परस्पर भी नहीं सुलझाया और उसी को प्रिंसिपल बेसिक सिद्धांत मान लिया। बस ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब महावीर इनको समझा रहे हैं तो महावीर ऐसा तो नहीं कि भी फट से उत्तर दे दिया और कह दिया हो गया बात। महावीर भी जो है इनको बरोबर इनके ही विषय में लेकर के प्रत्येक प्रत्येक के लिए आप पॉलिसी यही समझना, आपको जिस विषय में शंका हुई है वो कैसे हुई है, वो क्यों हुई आपको, और कहाँ आपने किस विषय के बारे में क्या सोचा और आपको शंका हुई, पहले यही बात पर ध्यान दे रहे भाई। ये सब विद्वान है, बड़े धुरंधर विद्वान पंडित है, इसलिए इनको इस तरीके से समझाना। अब मेरे लिए तकलीफ यह है कि आप सब लोग विद्वान नहीं है और फिर मुझे सबको घुटाने घुटाने में समझाने में जो है टाइम चला जाता है सर, ये है समस्या, और कोई कारण नहीं है। जब वो भूत नहीं मानते हैं क्योंकि अस्तित्व का निषेध करते हैं, क्यों अस्तित्व का निषेध करते हो, शून्यवाद मानने के कारण वो अस्तित्व का निषेध कर रहे। अब शून्यवाद मानोगे तो फिर पंच और महाभूत और ये सब और संख्या और ये शब्द कहाँ से लाए फिर आपने, क्योंकि जगत के अंदर एक भी वस्तु जिसका सर्वथा अस्तित्व होता ही नहीं है, अभावात्मक होता है, ना तो उसका नाम बनना चाहिए, ना नाउन बननी चाहिए, ना उसका कुछ भी बनना चाहिए, फिर आपने ये शब्द कहाँ से लाए बोलिए। इनको जब तक आप इनको वापस क्रॉस आर्गुमेंट करके ये सिर खुजलाने न लगे वहां तक जो है बरोबर इनको प्रश्न करते रहना पड़ेगा, तब जाकर ये विद्वान लोग ऐसा ख्याल है कि इनको विद्वता में कहां इनकी मिस्टेक, कौन सी मिस्टेक हुई, ये इनको पकड़ाना है। अगर एक बार इनकी मिस्टेक इनकी समझ में आ जाएगी तो ये बरोबर जो है उसी दिशा में सोचने लग जाएंगे, तो इनका उत्तर इनको तुरंत मिल जाएगा। तकलीफ ये बड़ी है कि ये लोग जो है जल्दी नहीं समझ पाते। क्या हुआ बोलिए साहब नीति बहन जी, हाँ हाथ उठाया। मैंने पूछना था कि जो व्यक्त स्वामी हैं उन्होंने ये पंच महाभूत के अस्तित्व का वेदों से कोई मतलब आंसर नहीं निकाला, वो बीच में मिक्स कर रहे थे बुद्धिज्म की फिलोसफी। अरे वो यही तो डाउट कहाँ से आया उनको, डाउट कहाँ से आया, इधर बुद्धिज्म की फिलोसफी लेकर के फिर वेदों में गए, तो वेदों में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अलग अलग मिल गए। ख्याल है पहले ये पढ़ा और आगे चलकर, क्योंकि वेद चार है, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद सामवेद, ऐसे अलग अलग एक जगह पर इनको ऐसा वाक्य मिला और दूसरी जगह पर इनको मिले सर्वम विष्णु 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 पर्वते विष्णु जले विष्णु जले विष्णु पर्वते विष्णु सर्वत्र विष्णु विष्णु। अरे पर विष्णु के सिवाय तो दूसरे किसी का अस्तित्व ही नहीं,
सर्वत्र जब विष्णु ही विष्णु है तो दूसरे किसी का अस्तित्व ही नहीं है, तो फालतू क्यों मैं दूसरे पदार्थों को स्वीकारूं। तकलीफ इनकी ये हुई, इधर है वैदिक वेदाध्यायी वेद पाठी और इधर जो है बुद्धिज्म के प्रिंसिपल पर चले, और ऐसी एक परिस्थितियां आती है जहां बुद्धिज्म भी एक वेद के साथ में जुड़ करके उनका भी अंग बन जाता है। ऐसा ये फिलॉसफी के अंदर ऐसा है, कुछ ऐसा भी है क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो अवतार 24 अवतारवाद माने है ना, उनमें एक बुद्ध का भी अवतार उन्होंने स्वीकार लिया है। तो कुछ हिंदुज्म के अंदर बुद्धिज्म भी मिक्स हो जाता है कुछ बातों के अंदर। अब ये सब लंबा चौड़ा इतिहास में है, आप कहाँ पढ़ने जाओगे ये सब, आप तो क्रीम क्रीम जो ऊपर का है वही समझ लो बहुत हो। हाँ जी छोड़िया जी बोलिए। कुमार साहब आपने इसके पहले ली क्लास में बताया था कि वैद्य स्वामी ने आकाश को भूत कहकर निषेध किया, पंच महाभूत में आकाश को भूत कहकर निषेध किया, तो क्या वो आकाश को मतलब भूत नहीं मानकर मतलब अभूत मानते हैं क्या, तो इसमें ये बात कहाँ फिट बैठेगी अब? हाँ अगर वो अभूत मानते होते तो फिर सवाल ही नहीं था, लेकिन सवाल यहाँ आ रहा है कि वो मानने को ही तैयार नहीं है ना। अब महापंच महाभूत का अस्तित्व नहीं है, अब ये कह करके ये नहीं कह रहे कि चलो अभूत भी है, ऐसा अच्छा। भी तो नहीं कह रहे ना, तकलीफ इनकी ये आ रही है। अगर ऐसा कहते तो चलो एक बात में आकाश का तो मान लेते, ये तो महावीर क्लैरिफिकेशन करेंगे तब की बात इनके सामने आएगी। ये शून्यवादी होने के कारण अस्तित्व का निषेध करना, इतनी सी बात में शंका को पकड़ ली। अजय बोलिए प्रमोद जी। मारा सब जैसे बुद्धिज्म में सर्वत्ता शून्य कहते हैं, तो अपने हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का प्रिंसिपल लगभग एक था। अरे तो भाई साहब ऐसी बातें कहाँ से उठा के ले आते हो, जैसे नॉन वायलेंस वगैरह बुद्धिज्म फॉलो करते थे। वो उपदेश है, वो जनरल उपदेश है भाई साहब, उन बातों से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो सबके साथ एक है, कौन ना कहेगा। ये सब बातें मत करिए, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है फिलोसॉफी के सर्वथा विरुद्ध है संपूर्ण। अब लोग व्यवहार में वो क्या बोलते हैं ना, सबको समान इकट्ठा करके, इसलिए वो जब कुछ लोग ऐसा करते हैं तब बात बैठ जाती है, लोग बैठा देते हैं कि समान है समान। तो कॉमन उपदेश तो समान है, एथिक्स एंड मॉरल्स के उपयोग तो सबके लिए समान है जी। कोई भी इस्लाम वाले भी नहीं जाएंगे, क्रिश्चियन वाले भी नहीं जाएंगे, विच इज कॉमन यूज फॉर ऑल। एथिक्स एंड मॉरल्स तो सबके लिए है, वो इस प्रकार की बातें हैं, उससे ज्यादा मत जाइए। बेसिक फंडामेंटल फिलोसॉफी जो है उसकी बेसिक स्टडी करिए, आपको पता चल जाएगा। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यणम नमो वज्ध्यायानम नमो लोहे सर्वसापणम एस पंच नमकारो सर्व पापणासनम मंगलानम च सर्वे सिंपरमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सोले भद्राद्य जैन धर्म सुमंगल चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो दम्मो मंगलम चतारी लोग उत्तम अरिहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवले पन्नतो दम्मो लोग उत्तम चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जयनम जयति शास्त्र।